इस मामले में जो ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है चेतन सिंह से बहुत इनडेप्थ जो इंट्रोगेशन है हम लोग कर रहे हैं। जो बाकी इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, सबकी छानबीन की जाएगी। इट इज़ टू अर्ली टू कम टू और जंप टू सम कंक्लूजन। किसी भी मामले में कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको भी मालूम है कि हर चीज़ को बहुत गहराई में जाके उसकी छानबीन करनी होगी और पुलिस इसके गहराई में जाके छानबीन करेगी। आरोपी ने क्या बताया सर? आरोपी ने क्या कारण बताया, क्यों फायरिंग की है? आपको बता दें कि ऑफेंस जब रजिस्टर किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन होता है, उस इन्वेस्टिगेशन के कुछ जो चीज़ें हैं उतने प्रिलिमिनरी स्टेज पे डिस्क्लोज करना गलत है, क्रिमिनल जस्टिस के खिलाफ है। जो भी रूल्स है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो स्टेटमेंट्स आएंगे उसको कोलैबोरेट किया जाएगा और जो चीजें उसे इनडेप्थ जाकर चेक किया जाएगा। चेतन की ड्यूटी कहां लगाई जाएगी और किस लिए, पहले किस पर गोली चलाएगी? जो चेतन है, मैं ये बता दूं आपको कि ये एस्कॉर्टिंग के लिए जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारी रहते उसमें से एक कर्मचारी था और जब ये गाड़ी सूरत से मुंबई आ रही थी उसमें वो तैनात था और ये वापी के आगे आने के बाद में ये घटना हुई है। इसमें और जो डिटेल्स है क्रिमिनल जस्टिस की, जो बाकी जो हम FIR रजिस्टर करने जा रहे हैं, हमें कोर्ट के सामने जाना है और इस वजह से हर चीज़ की छानबीन किए बिना किसी भी चीज़ में किसी कंक्लूजन पे आना और किसी चीज़ को मीडिया के सामने बताना ये इमेच्योर होगा, ऐसे मैं समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे वापस एक बार बता दूं कि हम लोग इससे इस FIR जो रजिस्टर हो रही है इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको भी मालूम है कि हर चीज़ की छानबीन किए बिना किसी चीज़ पे किसी कंक्लूजन पे आना ये गलत होगा। किसी चीज़ को अगर पहले ही दफ़ा किसी चीज़ को सही बोल दे और फिर उसके बाद में कुछ चीज़ अगर और सामने आती है तो इट विल बी टू इमेच्योर टू कम टू और जंप टू एनी कंक्लूजन एट दिस स्टेज। एंड आई एश्योर यू दैट वी विल इंश्योर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इन दिस मैटर। मैं आपको बता दूँ कि जो घटना हुई है ये बहुत ही इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल इन इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हम कह सकते हैं कि ट्रेन में इस तरह की घटना हुई है। और ये घटना घटने के बाद में इस घटना में कितने लोग होंगे जो उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो खुद जो उसमें कॉन्स्टेबल है वो हमारे कब्जे में है। और 5-6 घंटे बाद अगर मैं आपको किसी भी चीज़ की पुष्टि करूँ और किसी भी चीज़ के बारे में रूल आउट करूँ तो मेरे लिए इमैच्योर होगा। एंड दिस इज मैं आई एश्योर यू दैट वाट एवर मटेरियल वी गेट वी विल एग्जामिन इट। मैं इस वक्त किसी भी चीज़ की पुष्टि करने के किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के स्टेज पे नहीं हूँ क्योंकि आप जानते हो कि इस स्टेज में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है ट्रैवल करने वाले उनके पास छानबीन करनी होगी, वीडियो किसका है, उसने क्या देखा, उसने क्या सुना, ये सब चीज़ें देखनी होगी। और मेरा जो है कि इन्वेस्टिगेशन घटना क्या हुई और वो जो घटना हुई है वो उसके पीछे क्या रीजंस है और घटना किस क्रम में हुई इसका जो भी ट्रूथ है वो ऑब्जेक्टिवली सामने आएगा। चेतन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए जानकारी ज्या प्रश्नांची उत्तर मी दिलेली है तीस प्रति जिन सवालों के जवाब मैंने इसके पहले दे चुके हैं वही सवाल अगर आप अलग अलग तरीके से पूछोगे तो मुझे लगता है कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। किसी भी चीज़ के कंक्लूजन में जाने के लिए छानबीन करना ज़रूरी है और उस वजह से हर चीज़ को कोलैबोरेट किया जाएगा, हर चीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा, उसी के बाद में अब हम लोग कुछ नहीं कर पाते। आई थिंक द फायर इंसिडेंस जो इंसिडेंस हमने बताया है, 4 लोगों की मौत बताई है, घटना कहाँ से कहाँ शुरू हुई, गाड़ी उसे कहाँ पकड़ा ये बताया, और इस वक्त ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नीड टू नो बेसिस पे आपसे साथ शेयर हुई है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत आती है वो चीज़ें वो इस वक्त बताना मेरे लिए। हाँ, एस्कॉर्टिंग के लिए जो वेपन होता है उसमें एक के पास में 9mm पिस्टल होता है और एक के पास में AK-M होता है, AK-47 का वर्जन है। अभी FIR दर्ज हो रहा है, इसके बाद में जो भी रहेगा जो अपडेट है वो हम प्रेस रिलीज के जरिए आपको देंगे। जब ये FIR पूरी दर्ज हो जाएगी और पूरी आइडेंटिटी
प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो जाएगी। प्रेस रिलीज में एक प्रेस नोट आपको दिया जाएगा, उसमें वो नाम आपको पता चल जाएंगे। सर क्या क्या कुछ और जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट के डिटेल्स आप मुझसे पूछ रहे हो, और मैं इस वक्त आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर चीज़ की छानबीन की जा रही है, हर चीज़ जो है उसे इन डेप्थ देखा जा रहा है, उसी के सभी फैक्टर्स एग्जामिन किए जा रहे हैं, और उस वजह से इस वक्त कोई भी डिटेल शेयर करना ये इमैच्योर होगा, किसी भी कंक्लूजन पे जंप करना ये इमैच्योर हो जाएगा।